अब जरा देखिए लॉ ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करके देखते हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल फॉर वेक्टर एडिशन वह अप्लाई करके देखते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ ट्रायंगल VI वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस वेक्टर X वुड बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी वेक्टर. इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस वेक्टर X वुड बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी वेक्टर. द लॉ ऑफ ट्रायंगल इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर देता हूं. वेक्टर एक्स ऐसा का ऐसा ही, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इधर आ गया माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर. फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दिस इज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डीवी. मींस यह जो वेक्टर एक्स लिख रखा है यह वेक्टर x को मैं dv वेक्टर लिख सकता हूं, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर लिख सकता हूं. आई मीन टू से दिस एरो डिनोट्स द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट p टू पॉइंट q. दिस एरो डिनोट्स द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन. इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है द सेम इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और इस एरो की जो लेंथ है दैट लेंथ गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. मैं इस एरो को ट्रांसलेट कर रहा हूं और इस एरो को ट्रांसलेट करके वहां पर लगा रहा हूं जहां पर पार्टिकल है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी पार्टिकल की हो रही है. इसलिए इस एरो को भी ट्रांसलेट करके मुझे पार्टिकल के ऊपर इस तरह से लगा देना चाहिए और यह वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर इस तरह से दिखने लगेगा. दिस एरो डिनोट्स द चेंज इन वेलोसिटी. एंड ऑब्जर्व दैट दिस एरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड द सेंटर, इट्स रेडियली इनवर्ड. हम कहते हैं द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज इन रेडियल इनवर्ड डायरेक्शन. किसी भी समय पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है वह रेडियल इनवर्ड डायरेक्शन में चेंज हो रही है. इट्स कॉन्स्टेंट रेडियल इनवर्ड चेंज इन वेलोसिटी. अब खास बात, ये तो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हुई, व्हाट वुड बी मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डिटरमाइन करने के लिए, डीवी का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करने के लिए द लेंथ ऑफ एरो gives us the magnitude of change in velocity. इस एरो की लेंथ यदि v है तो इस एरो की लेंथ हमें डिटरमाइन करनी है. इसी समय अब हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं. यह एंगल 90 डिग्री होएगा क्योंकि यह रेडियल डायरेक्शन है और यह टेंजेंशियल डायरेक्शन है, इसलिए यह 90 डिग्री. यह एंगल 90 डिग्री होएगा क्योंकि यह रेडियल है और यह वेलोसिटी टेंजेंशियल.
this two angles are 90, this angle d theta, hence this angle must be 180 minus d theta. Yeah, angle 180 minus d theta hona chahiye. In that case, this angle must be d theta. यह एंगल डी थीटा होना चाहिए. इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के बीच में जो एंगल होना चाहिए वह डी थीटा होना चाहिए. मैं इधर एंगल बायसेक्टर बना देता हूं. दिस एंगल नाउ बिकम्स डी थीटा बाय 2. अब मैं साइन डी थीटा बाय 2 लिखता हूं. साइन डी थीटा बाय 2, यह डी थीटा है, यह डी थीटा बाय 2, साइन डी थीटा बाय 2 लिखता हूं, जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस परपेंडिकुलर. नाउ व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर लेंथ इक्वल टू? हम कहते हैं इट वुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ डीवी बाय 2, मॉड ऑफ डीवी बाय 2, दिस वुड बी परपेंडिकुलर लेंथ. एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज लेंथ? Hypotenuse length is equal to V, and this is equal to sine of d theta by 2. I can write it in this manner. अब हम एक बात बता दें. For a small angle, sine theta is always equal to theta. Small angle के लिए sine theta की value हमेशा theta के बराबर होती है. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं समझा देता हूं. यह angle theta small है, यह एंगल थीटा स्मॉल है. इसमें मैं थीटा कैसे डिफाइन करता हूं? आर्क अपॉन रेडियस. यह आर्क एल और यह रेडियस. और साइन थीटा कैसे डिफाइन करता हूं? परपेंडिकुलर विच इज एल अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब हाइपोटेन्यूज यह एच है, मगर स्मॉल एंगल के लिए यदि यह एंगल थीटा स्मॉल होगा तो यह हाइपोटेन्यूज इस आर के लगभग बराबर होगा. दिस वुड होल्ड ओनली फॉर स्मॉल एंगल. यदि लार्ज एंगल होगा तो नहीं हो सकता. लार्ज एंगल के लिए यह नहीं हो सकता. दिस इज लार्ज एंगल. इस लार्ज एंगल में यह एल, यह आर और यह एच, आर और एच बराबर नहीं है. मगर यदि यह थीटा स्मॉल हो जाए इस तरह से तो यह एच और आर बराबर हो जाएंगे. तो हम एंगल की डेफिनेशन लिखेंगे तो एल बाय आर, और साइन थीटा लिखेंगे तब भी नियरली एल बाय आर. फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू थीटा. मैं वही कंसेप्ट इधर लगा रहा हूं, स्मॉल एंगल, क्योंकि डी थीटा बाय 2 तो बहुत ही छोटा एंगल है. डी थीटा इज डिफरेंशियल थीटा बाय 2, इट्स अ स्मॉल एंगल. फॉर सच स्मॉल एंगल आई मे री राइट दिस एज मॉड ऑफ डीवी, तो डी हो गया डीवी बाय 2, वी इज इक्वल टू डी थीटा बाय 2. 2 से 2 कैंसल्ड, v ऑफ टू से dv इज इक्वल टू v d थीटा. वंस अगेन यह तो स्केलर रिलेशनशिप है, यह तो स्केलर रिलेशनशिप है,
ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, देयर मस्ट बी सम वेक्टर रिलेशनशिप। ये तो हमने स्केलर रिलेशनशिप लिखा है, इनके बीच में कुछ ना कुछ वेक्टर रिलेशनशिप अवश्य होना चाहिए, क्योंकि डीवी वेक्टर इस डायरेक्शन में दिख रहा है मुझे, इस डायरेक्शन में। डी थीटा वेक्टर यदि बॉडी इस तरफ घूम रही है तो बाहर, और वेलोसिटी वेक्टर इधर। दिस द वेलोसिटी वेक्टर। हाँ, मैंने कहा ना फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज थीटा, तो इधर थीटा की जगह डी थीटा बाय टू है। वही मैंने इधर समझाया ना, यदि एंगल स्मॉल होएगा तो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा थीटा के बराबर होगी। इधर थीटा को रेडियंस में लिखना होगा। कैसे होएगी यह समझाया कि यदि एंगल थीटा स्मॉल होगा तो ट्रायंगल कुछ ऐसा बना हुआ देखेगा, इसमें एंगल थीटा वुड बी आर्क अपॉन रेडियस, आर्क तो हो जाएगा एल और रेडियस हो जाएगा आर, तो एंगल थीटा हो गया एल बाय आर। और साइन थीटा की वैल्यू क्या हम लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूस, परपेंडिकुलर एल अपॉन हाइपोटन्यूस एच। बट फॉर स्मॉल एंगल थीटा दिस एच वुड बी नियरली इक्वल टू आर, तो एच की जगह आर लिख दिया, तो साइन थीटा भी एल बाय आर हो गया और थीटा भी एल बाय आर हो गया, दोनों की वैल्यू एल बाय आर, मतलब साइन थीटा किसके बराबर हो गया, थीटा के बराबर। मगर ये तभी होएगा जब थीटा की वैल्यू स्मॉल हो। अब देखिए जरा, इधर लिखा हुआ है साइन डी थीटा बाय टू, तो ये स्मॉल एंगल हुआ ना, डी थीटा बाय टू स्मॉल एंगल हुआ ना। यदि यह स्मॉल एंगल है तो साइन ऑफ स्मॉल एंगल वुड बी इक्वल टू स्मॉल एंगल, ठीक है ना। आप थीटा की जगह इधर डी थीटा बाय टू रखा हुआ देख रहे हो, तो ऐसा कैसे डी थीटा बाय टू लिख दिया मैंने, इस आर्टिकल को इधर अप्लाई कर दिया और फिर मैंने यह एक एक्सप्रेशन लिख दिया डीवी। डीवी इज चेंज इन वेलोसिटी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका यह डायरेक्शन है। V is velocity of particle जिसका यह डायरेक्शन है, और d थीटा का डायरेक्शन यह। अब हम कहते हैं कि यह तो एक स्केलर रिलेशनशिप है, मगर यह स्केलर रिलेशनशिप उन क्वांटिटीज में लिखा जा रहा है जो वेक्टर क्वांटिटीज है। इसका मतलब है कि यहां पर एक वेक्टर रिलेशनशिप अवश्य होना चाहिए, एंड आई वुड रीराइट द वेक्टर रिलेशनशिप एस डीवी इज इक्वल टू डी थीटा क्रॉस वी। दिस इज द एग्जैक्ट वेक्टर रिलेशनशिप, डीवी इज इक्वल टू डी थीटा क्रॉस वी। हम इसी समय इस एक्सप्रेशन को वेरीफाई कर लेते हैं। डी थीटा की डायरेक्शन यह है, लिखने से पहले ऑल्दो मैंने हाथ हिला के उस चीज को पहले ही वेरीफाई करा था। डी थीटा की डायरेक्शन यह है और वी की डायरेक्शन यह है। डी थीटा को वी के डायरेक्शन जब हम घुमाएंगे तो हमें डीवी की डायरेक्शन दिखने लगेगी, डी थीटा और डीवी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीवी रेडियली इनवर्ड। डी थीटा और वी के बीच में एंगल 90 डिग्री है। डी वी इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी थीटा मॉड ऑफ वी इनटू साइन 90 एन कैप।
we used to define dv by dt. This is rate of change of velocity. dv ki direction radially inward. dv by dt would be termed as acceleration, and since this acceleration is in radially inward direction, it's radial acceleration. This is defined as radial acceleration. This is tangential velocity ka dv by dt. We used to conceptualize d omega by d or d theta by dt. D theta by dt is rate of change of angular displacement. This is omega or angular velocity. Already hum define kar chuke hain. मैं इस एक्सप्रेशन को थ्रू आउट dt से डिवाइड कर देता हूं. dv बाय dt इज इक्वल टू v d थीटा बाय dt. इफ दिस फिनोमेना ऑकर्स इन dt टाइम, यदि यह dt टाइम में हुआ है तो हम कहेंगे दिस इज रेडियल एक्सीलरेशन इक्वल टू v ओमेगा. It may be written as radial acceleration is equal to omega cross v. Omega vector is always perpendicular to velocity vector. I may rewrite this equation as radial acceleration as magnitude of angular velocity into magnitude of linear velocity into sine 90 into n cap. और आपको यहां स्केलर रिलेशनशिप भी दिखने लगेगा इधर से. mod omega mod v equal to mod of radial acceleration sin theta ki value 1. Aap chahe to right hand thumb rule se omega velocity ka direction apne seedhe haath ki ungliyon ko omega se velocity ki taraf ghuma ke dekh lijiye. This is omega and this is velocity, radial acceleration. V equal to omega r likh do तो रेडियल एक्सीलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, और ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर लिख दूं तो रेडियल एक्सीलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर. इट मींस ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन आवर कंक्लूजन इज ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन ऑल दो ये जो हमने अभी ऑप्टेन करा है ये भले ही हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ऑप्टेन करा है बट इट ऑलवेज होल्ड फॉर एनी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन. इट मे बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट मे बी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन पार्टिकल इज कॉन्स्टेंटली एक्सीलरेटेड इन रेडियल इनवर्ड डायरेक्शन. And that acceleration is given by this equation. During circular motion, a particle is constantly
accelerated. In radial inward direction. During circular motion, any particle, in fact, a particle, I mean, any particle is constantly accelerated in radial inward direction. And that radial inward acceleration is given by V cross omega. Omega cross V. That radial acceleration is given by V omega or omega square r or V square by r. Circular motion में हमने इस तरह के scalar relationship देखे थे. Rotational dynamics में हमें इस तरह से vector relationship की आवश्यकता पड़ेगी. कभी भी कोई सा भी पार्टिकल यदि सर्कुलर मोशन करेगा, रोटेशनल मोशन में भी हर एक पार्टिकल का सर्कुलर मोशन होता है, मतलब हर एक पार्टिकल हमेशा कॉन्स्टेंटली रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड होता है, और रेडियल इनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वी. एक कंसेप्ट और बताता हूं. अनदर कंसेप्ट इज एप्लीकेबल इट होल्ड फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब द मोशन ड्यूरिंग विच द स्पीड ऑफ पार्टिकल वेरीज, आइदर स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस और स्पीड ऑफ पार्टिकल decreases. देखिए, जब हम फैन को स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते से ही जो फैन रेस्ट पर है वह रोटेट होने लगता है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने लगती है. कुछ समय तक वह एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाती है और फैन के केस में एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी आने के बाद में वह कांस्टेंट हो जाती है. और जब हम फैन को स्विच ऑफ कर देते हैं तो स्विच ऑफ करते से ही उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होने लगती है, कम होते होते फाइनली वह जीरो हो जाती है. हम इसी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं जब फैन को स्विच ऑन करा गया है या फिर स्विच ऑफ करा गया है, और उस फैन की एंगुलर वेलोसिटी या तो बढ़ रही है या घट रही है. दिस बॉडी फ्री टू मूव ऑन द प्लेन ऑफ बोर्ड, इट्स फिक्स्ड एट पॉइंट ओ, नाउ इट्स फ्री टू रोटेट ऑन द प्लेन ऑफ बोर्ड अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू ओ एंड परपेंडिकुलर टू बोर्ड, एंड at any instant omega is the angular velocity. Now this angular velocity is changing with time. Time ke saath yah omega change ho raha hai, ya to badh raha hai ya ghat raha hai. We used to conceptualize d omega by dt. This is rate of change of angular velocity. We denote it by alpha, we call it angular acceleration. This is termed as angular acceleration. Hum angular acceleration ki direction samjha de. Yadi angular velocity badh rahi hai, angular acceleration is always directed along the axis of rotation. Angular acceleration hamesha axis of rotation ke along hota hai.
for increasing angular velocity, angular acceleration would be along the direction of angular velocity. और यदि angular velocity कम हो रही है, in that case angular acceleration would be opposite to angular velocity. मैं समझाता हूं, आपके ऊपर फैन रोटेट कर रहा है, इस रोटेटिंग फैन की डायरेक्शन देखिए और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखिए, अपने सीधे हाथ की उंगलियों को फैन के डायरेक्शन के अलोंग घुमाइए, आपका अंगूठा नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, मींस एंगुलर वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अब यदि हम फैन को स्विच ऑफ कर देंगे तो स्विच ऑफ करने पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी. हम कहेंगे इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है, एंगुलर एक्सीलरेशन, इस फैन का एंगुलर एक्सीलरेशन हो रहा है, एंड दैट एंगुलर एक्सीलरेशन इज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. फैन को स्विच ऑफ करने पर जब एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है, उस समय हम कहेंगे कि इस फैन का एक्सीलरेशन हो रहा है, एंगुलर एक्सीलरेशन हो रहा है, और वह एंगुलर एक्सीलरेशन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में. और यदि हम फैन को स्विच ऑन करते हैं, फैन ऑफ है, उस ऑफ फैन को हम ऑन कर रहे हैं और वह फैन घूमना चालू कर रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है. वंस अगेन वी यूज टू से दैट द फैन इज एक्सीलरेटेड, उसका एंगुलर एक्सीलरेशन हो रहा है, एंड दैट एंगुलर एक्सीलरेशन इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, द सेम एज एंगुलर वेलोसिटी. हम कहते हैं इस सिचुएशन में कोई सा भी पार्टिकल पी है, उसकी यह टेंजेंशियल वेलोसिटी है, यह टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बढ़ेगी, यह टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बढ़ेगी. dv by dt, the rate of increase of tangential velocity is termed as tangential acceleration. This would be called tangential acceleration. यदि tangential velocity बढ़ रही है तो tangential acceleration along the line, और टेंजेंशियल वेलोसिटी यदि घट रही है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में. अभी मैं जिस डायरेक्शन में ओमेगा है उसी डायरेक्शन में अल्फा को देखता हूं, मतलब एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ते हुए देखता हूं. एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ेगी, और टेंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ेगी तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन, यह टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा. अब हम अच्छी तरह से जानते हैं स्केलर रिलेशनशिप v इक्वल टू ओमेगा r, हियर vt इज टेंजेंशियल वेलोसिटी. यदि मैं इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दूं d बाय dt ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, पार्टिकल का रेडियस कांस्टेंट रहता है, डी ओमेगा बाय डी टी इंटू आर, एंड आई मे रीराइट टेंजेंशियल वेलोसिटी इज अल्फा इंटू आर. टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू angular acceleration into radius. Once again, this is a scalar relationship. यह एक scalar relationship है. The parameters may be vectorically related like this. Tangential acceleration equal to angular acceleration
क्रॉस रेडियस वेक्टर। दिस वुड बी द एग्जैक्ट वेक्टर रिलेशनशिप बिटवीन द पैरामीटर्स। आप चाहें तो सीधे हाथ को अल्फा की डायरेक्शन में रखें, रेडियस की डायरेक्शन में घुमाएं, आपको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन दिखने लगेगा।